फ्रेंड्स आज उच्चतम न्यायालय ने आज उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक आंतरिक आदेश दिया है। वो ऐतिहासिक आंतरिक आदेश के अंतर्गत कई बहुत ही प्रमुख आदेश दिए गए हैं। पहला कि तुरंत फ्लोर टेस्ट होगा, कल होगा। फ्लोर टेस्ट होने के पहले 4 बजे के पहले सभी को ओथ दिया जाएगा एक प्रोटेम स्पीकर के अंतर्गत। सबसे महत्वपूर्ण, येदुरप्पा जी के वकील ने खुद ने ये माना और कहा कि आज से कल तक येदुरप्पा जी कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। साथ साथ बार बार दलीलें की दूसरे पक्ष ने कि समय कल का न होना चाहिए, आगे का होना चाहिए। इन दलीलों को नहीं माना गया और कल के लिए रखा गया है विश्वास मत। मैं समझता हूं कि सही रूप में जमीनी सच के आधार पे ये सबसे अच्छा निर्णय है। लेकिन साथ साथ जो हमने बहुत महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा उठाया था उसको पूरी तरह से बरकरार रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने उसको भी सुनने के लिए 10 हफ्ते बाद तारीख लगाई है। वो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या राज्यपाल जी पहले ऐसी पार्टी को निमंत्रण दे सकते हैं जिनकी गणित बड़ा स्पष्ट है, बड़ा साफ है, बड़ा पारदर्शी है, सिर्फ 104 की है, और उनके सामने पत्र हैं और दलीलें हैं कि दूसरे पक्ष की यानी हमारे पक्ष की यानी जेडीएस और कांग्रेस के पक्ष की 117 है, 116 है। अगर ये बात है तो हमने मुद्दा उठाया है संवैधानिक कि कैसे राज्यपाल जी ये कर सकते हैं। वो मुद्दा भी उच्चतम न्यायालय निर्णित करेगी निकट भविष्य में। और आंतरिक रूप से आदेश भी दिया गया है कि कल दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा विश्वास मत पे। अब साथ साथ कई प्रकार के सेफगार्ड्स प्रावधान दिए गए हैं। एक और महत्वपूर्ण वक्तव्य रिकॉर्ड किया है कि किसी अतिरिक्त नए एमएलए को एंग्लो इंडियन समुदाय के आधार पर निर्वाचित नहीं किया जा सकता विश्वास मत के पहले, मनोनीत नहीं किया जा सकता विश्वास मत के पहले। ये सबसे, और इसके लिए भी हर प्रकार का विरोध हुआ। ये कहा गया कि कल नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, नीतिगत निर्णय लेने दीजिए येदुरप्पा जी को। इन सबको नहीं मानते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हमारी पूरी विश्वास है और आशा है और 100% विश्वास है कि विश्वास मत भी हम कल जीतेंगे और अंतिम जो इसकी सुनवाई होगी याचिका की उसमें भी हमारी आशा और विश्वास है कि हम विजयी रहेंगे। लेट मी एक्सप्लेन टू यू फ्रेंड्स, डोंट स्पीक दैट इट इज अ हिस्टोरिक इंटरिम ऑर्डर। The order is historic because the court has directed a confidence motion within less than 24-36 hours. The confidence motion is subject to many safeguards. Members of the Anglo-Indian community cannot be nominated. Mr. Yedurappa conceded through his counsel that he cannot have any major policy decisions taken. Security was provided. A pro tem speaker, not a regular speaker, will conduct. He will swear in everybody before 4 o'clock and all will assemble and have the vote of confidence at 4 o'clock. Most important, the court has kept our main point alive for final and future hearing. The main point alive for final and future hearing after 10 weeks raises an extremely important constitutional point that he had to invite that group which had election commission certificates of more than 117 MLAs. It is clear that the Yedurappa letters disclosed today did not give any details.
येदियुरप्पा जी की चिट्ठियां जिनका आज खुलासा हुआ, कोई भी उसमें तथ्य नहीं थे कि किस आशा और विश्वास पे उन्होंने बहुमत मांगा है। उन्होंने कोई तथ्य नहीं दिया ये बताने के लिए कि क्या आधार है उनका ये विश्वास, ये बहुमत मांगने का। Therefore, it actually in a way, according to us, proves our point that he had no basis for laying stake to form the government. Friends, we are extremely grateful to the Supreme Court for sitting at night, for sitting today, and for giving both a pragmatic solution and also keeping the main principle alive to be heard and decided shortly. Thank you. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। आप सुन रहे थे कुछ देर पहले कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को सीधे तौर पर। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश यहां पर सामने आया है, कल शाम 4 बजे शक्ति परीक्षण करना होगा, फ्लोर टेस्ट में साबित करना होगा कि क्या बीजेपी के पास वो बहुमत का आंकड़ा है जिसके दम पर बीजेपी कह रही है कि वो यहां पर सरकार कायम रख सकती है। कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन का जिक्र भी यहां पर किया और इस फैसले को ऐतिहासिक यहां पर बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला यहां पर दिया है। हालांकि बीजेपी इसके पक्ष में नहीं थी क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि आगे थोड़ा और बहुमत के लिए मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश कुछ देर पहले सुनवाई के दौरान सामने आया। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सुभाष कश्यप जी आपसे जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आप किस लिहाज से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है जहां पर कल शाम तक फ्लोर टेस्ट में साबित करना होगा बहुमत का आंकड़ा? सुभाष कश्यप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? दोबारा से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है, एक बड़ा आदेश यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, येदियुरप्पा सरकार को अब कल शाम 4 बजे तक आपको बता दें कि अपना बहुमत साबित करना होगा, परीक्षण यहां पर देना होगा, शक्ति परीक्षण वो सामने आएगा जो आंकड़ों के जरिए, नंबर के खेल के जरिए सामने रखेगा कि अब भी येदियुरप्पा की सरकार यहां पर कायम रहती है या फिर नहीं रहती है। कांग्रेस और जेडीएस को भी अपने गठबंधन का आंकड़ा यहां पर सामने रखना होगा फ्लोर टेस्ट के जरिए। संतोष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मौजूद है। संतोष, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला आया, अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ देर पहले यहां पर यह कहा, एक खुशी भी उनके चेहरे पर नजर आ रही थी, कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए तो राहत लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर पैदा करती है, 28 घंटे में येदियुरप्पा सरकार को अपनी पूरी ताकत यहां पर सामने रखनी होगी। यह देखिए, कांग्रेस की तरफ से खुशी तो जरूर जाहिर की जा रही है क्योंकि ये लोग चाहते नहीं थे कि 15 दिन का जो वक्त है वो 15 दिन का वक्त बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में एक 7 दिन का, एक दोनों तरफ से ये बात कही जा रही थी 7 दिन का अगर वक्त दिया जाता है तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान रहेगा और बाकी इनके लिए भी। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखते हुए, जिस क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है और आरोप भी गंभीर लगाए गए थे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह फैसला लिया है कि कल 4 बजे फ्लोर टेस्ट। अब सिर्फ इसमें 28 घंटे बचते हैं, अभी इन 28 घंटे के दरमियान अब भारतीय जो विधायक बाहर हैं, राज्य से बाहर हैं, उन विधायकों को वापस लाना पड़ेगा। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पहले पूरी करनी पड़ेगी, प्रोटेम स्पीकर को बनाना पड़ेगा। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, सबसे जो सीनियर मोस्ट MLA होता है सदन का, उसे बनाया जाता है, तो उसको पूरी प्रक्रिया, फिर फ्लोर टेस्ट के लिए जिम्मेदारी पूरी उनकी हो जाती है। साथ ही एक बात और कही है, काफ़ी अहम बात कही है, वो है कि फ्लोर टेस्ट में कोई भी सीक्रेट वैलेट नहीं होगा। जब सीक्रेट वैलेट नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में ये भी एक झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे साथ शादाब हैं। शादाब, ये बताइए, ये सीक्रेट वैलेट के लिए अलाउ नहीं किया है, कोई सीक्रेट वैलेट नहीं होगा, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब बहुत साफ है कि देखिए किस MLA ने किसको वोट दिया, अब ये पब्लिक हो जाएगा, क्योंकि अब विधायक के पास चॉइस नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई विधायक कांग्रेस में है और अगर वो वोट बीजेपी को कर देता है, सपोज जा सकती है, क्योंकि पार्टी भी जारी करेगी। पीडीपी आचार्य जी, आपसे यहाँ जानना चाहूंगी, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की बात जो सामने आ रही है, क्या भूमिका यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर की रहती है फ्लोर टेस्ट के दौरान, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, प्रोटेम स्पीकर जो अपॉइंट किया जाता है वो बेसिकली ओथ दिलवाने के लिए है, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो स्पीकर का पोस्ट जो वेकेंट होता है तो दूसरे एक
किसी को अपॉइंट करने की बात कही गई है वो स्टेट के मामले में गवर्नर अपॉइंट कर सकता है, लेकिन दोनों फंक्शन स्पीकर के जो है वो प्रोटेम स्पीकर कर सकते हैं। तो ओथ का ओथ दिलाना और बाकी जब तक रेगुलर स्पीकर का अपॉइंटमेंट नहीं होता तब तक ये स्पीकर रहेगा और स्पीकर के सारे पावर्स इसको अवेलेबल होंगे। तो फ्लोर टेस्ट यही कराएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आचार्य जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये बड़ा आदेश सामने आया, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के वकील कह रहे थे इसे ये एक ऐतिहासिक आदेश है, ये एक ऐसा आदेश है जो इतिहास के पन्नों में है, आपको वाकई ऐसा लगता है? खैर जब गवर्नर ने 15 दिन दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कम करके एक दिन में ये करवाने के लिए कहा है तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक इश्यू रेज किया गया था कि चीफ मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो गलत है या गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिल्कुल आपसे आचार्य जी यहाँ पर ये समझना चाहेंगे एक बार फिर से प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि आप नियुक्ति जिस तरह से किया जाएगा क्या वो फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं संविधान के तहत, हम चाहेंगे ये भी आप हमें यहाँ पर समझाएं। ये तो मैं कह रहा था प्रोटेम स्पीकर को गवर्नर अपॉइंट करता है गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे, गवर्नमेंट का मतलब है मिस्टर येदियुरप्पा, क्योंकि एक ही चीफ मिनिस्टर ही है ना, बाकी कोई है नहीं, तो कैबिनेट भी वही है, वो डिसाइड करेगा कि किसको प्रोटेम स्पीकर बनाना है। और ट्रेडिशन और कन्वेंशन ये है कि सबसे ज्यादा टर्म जिसने असेंबली में रहे हैं ऐसा व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, वो किसी भी पार्टी का हो, पार्टी उसमें पार्टी का जो कंसिडरेशन वो नहीं आता उसमें प्रोटेम स्पीकर के अपॉइंटमेंट में, जिसने सबसे ज्यादा टर्म्स असेंबली में रहे हैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मेंबर को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और वो फ्लोर टेस्ट भी करवा सकते हैं, ये संविधान के तहत अधिकार है उनका? हाँ जी, वो फ्लोर टेस्ट भी करवा सकते हैं संविधान के तहत, ये अधिकार उनके पास आता है सर? यही मैं कह रहा था। हाँ जी, एक तो ओथ दिलवाने का काम वो करेंगे, ठीक है, दूसरा जब तक रेगुलर स्पीकर का अपॉइंटमेंट नहीं होता तब तक तो ये स्पीकर रहेगा, तो स्पीकर के सारे पावर्स इसके लिए इसको अवेलेबल होंगे, यही है। तो इसका मतलब है कल होने वाला जो फ्लोर टेस्ट है वो भी यही करवाएगा। तो संविधान विशेषज्ञ पीडीपी आचार्य जी हमें यहाँ पर बहुत अहम जानकारी प्रोटेम स्पीकर को लेकर दे रहे हैं, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है वो यहाँ पर होगी, और उसके बाद बताया उन्होंने कि ओथ दिलवाने की जिम्मेदारी और साथ ही जो स्पीकर के पास सारे अधिकार होते हैं वो अधिकार भी उन्हीं के पास यहाँ पर होंगे, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के पास संविधान के तहत ये अधिकार दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत यहाँ पर करने के लिए। संतोष आपकी तरफ एक बार फिर से रुख करेंगे, हम प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारियां अधिकार यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या कुछ आपको लगता है यहाँ पर अब जब कल शाम की तस्वीर बनती हुई नजर आती है, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की बात करें, कितनी ज्यादा राहत और कितनी ज्यादा चुनौतियां नजर आती है? देखिए दोनों ही चीजें हैं, अगर कांग्रेस और जेडीएस को राहत की बात अगर आप देखें तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, और ये चुनौती सिर्फ 28 घंटे में पूरी करनी है। चुनौती में ये है कि अब उनको बहुमत साबित करना पड़ेगा, जो बात कही जा रही थी कि कांग्रेस और जेडीएस के एमएलए भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, उन एमएलएज को अब वहाँ वोटिंग फ्लोर टेस्ट के दरमियान वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी को वोट करना पड़ेगा, अगर ऐसा होता है तभी भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बहुमत साबित कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस ने जिस तरीके से आरोप लगाए कि उनके एमएलएस के साथ उनके साथ बहुमत है, तो उनको बहुमत अपना जो कि पोस्ट पोल अलायंस था, यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, प्री पोल अलायंस अगर होता तो वो और बात होती, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस है, पोस्ट पोल अलायंस में अगर आप बात कहते हैं तो अलग अलग आपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा था और उन चुनाव उसके आधार पर जनता ने आपको वोट किया था, दोनों के मुद्दे अलग थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, तो ऐसे में कई ऐसे विधायक होते हैं जिनकी की इच्छा जिनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब इन्हीं कांग्रेस अगर कोई कांग्रेस का है तो फिर वहाँ जेडीएस का राइवल है, जेडीएस का अगर कोई जीत के आया है तो वहाँ कांग्रेस राइवल है, तो ऐसे में उनको भी ये देखना होता है कि आखिर उनका
उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या कहती है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर इस बात को अलाउ करता है कि आगे अगर चुनाव होता है तो उसमें इसका कितना असर पड़ेगा, ये कई चीज़ें हैं जो कि विधायकों के मन में चल रहा होगा। और विधायकों को ये भी तय करना पड़ेगा कि आखिर उसको अब क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तो अब ये 4 बजे कल तय होगा कि आखिर फ्लोर टेस्ट, तो कल शाम 4 बजे तक अब इंतजार यहां पर करना होगा। संतोष आप हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार आपकी तरफ रुख करेंगे, क्योंकि कर्नाटक की सियासत में अब एक नया मोड़ यहां इस तरह से सामने आया है कि कल शाम 4 बजे तक फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत यहां पर साबित करना होगा। शक्ति प्रदर्शन की वो तस्वीर बीजेपी को सामने रखनी होगी जिसमें वो ये बता सके कि हां उसके पास आंकड़े इस हिसाब से हैं कि वो अपना सत्ता आगे कायम रख सकती है। और कांग्रेस और जेडीएस के लिए भी एक बड़ी चुनौती यहां पर है कि जिसका वो लगातार कर रही है, क्या उसमें उसके नंबर खरे उतरते हैं या फिर नहीं। तो कल शाम 4 बजे तक इंतजार यहां पर करना होगा।